Next, we are going to study conditional statement in Java. Now, conditional statement क्या होता है? Conditional statement Java में तीन है. सबसे पहला है if else, दूसरा है nested if else एंड थर्ड है if else ladder. कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कहां होता है? जहां पे हमें कंडीशन पे वर्क करना होता है. कंडीशन पे वर्क का मतलब, सपोज हमें एक ऐसा प्रोग्राम करना है कि यूजर जो है एज एंटर करेगा. एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का एज, तो मैं इसमें एज इनपुट लेना है. ठीक है, तो इनपुट कैसे लोगे? एज असाइन विथ एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी. अब प्रोग्राम क्या करना है कि यूजर ने जो एज एंटर किया, अगर एज 18 से अबव है, ठीक है, या 18 के बराबर है, तो तुम्हें मैसेज प्रिंट कर देना है यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग. और अगर एज 18 से कम है तो प्रिंट कर देना है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. ठीक है, तो यहां पे अब देखो कंडीशन है, यूजर एज एंटर करेगा, अगर एज 18 से ज्यादा हुआ तो तुम्हें मैसेज प्रिंट करना है यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग. बट अगर एज 18 से कम हुआ, अगर 18 से ज्यादा या उसके बराबर हुआ, तो मैसेज क्या प्रिंट करना है यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग. बट अगर एज 18 से कम हुआ तो क्या प्रिंट करना है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. तो यहां पर कंडीशन आ गया. So, जब भी हमें प्रोग्राम में कंडीशन पे वर्क करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो उसी के लिए जावा ने क्या दिया है, कंडीशनल स्टेटमेंट. अब कंडीशनल स्टेटमेंट टोटल कितने हैं? तीन है. तीनों अलग अलग तरह के कंडीशंस के लिए यूज होते हैं. तो हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट इफ एल्स की. इन दोनों को बाद में पढ़ेंगे. तो इफ एल्स का सिंटेक्स सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ एल्स को लिखते कैसे हैं. So if else का सिंटेक्स होगा if then if में कंडीशन parenthesis के अंदर, ये parenthesis में कंडीशन, फिर if close, if के नीचे if का ब्लॉक, और फिर if के अंदर जो भी तुम्हें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू. अब होगा क्या, अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो गया, यहां पे बेसिकली हम कंप्यूटर को क्या बोल रहे हैं, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस. यानी अगर एक कंडीशन, कंडीशन में दो ही चीज हो सकता है, या तो कंडीशन ट्रू होगा या तो कंडीशन फॉल्स होगा. तो अगर इफ का कंडीशन ट्रू हो गया तो कंप्यूटर इफ के अंदर आएगा और जो स्टेटमेंट लिखा है एग्जीक्यूट कर देगा. और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो, अभी कंडीशन फॉल्स हुआ तो कुछ नहीं करेगा. बट अगर तुम कंडीशन फॉल्स होने पे भी कुछ करना चाहते हो तो इफ के जस्ट नीचे क्या हम लगाएंगे, एल्स. तो इफ का जो ब्लॉक एंड हो रहा है उसके जस्ट नीचे एल्स, और फिर एल्स के नीचे एल्स का ब्लॉक, फिर एल्स के अंदर जो भी एल्स के स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू. सो यहां पे बहुत सिंपल है, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इफ, मतलब अगर, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस, एंड इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन डू दिस. यानी अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो कंप्यूटर कहां जाएगा, इफ के अंदर, इफ के ब्लॉक में, और जो लिखा है एग्जीक्यूट कर देगा, एल्स में नहीं जाएगा. बट अगर इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया तो कंप्यूटर फिर इफ के अंदर नहीं जाएगा, फिर कंप्यूटर कहां जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो कंप्यूटर एल्स के अंदर जाएगा, और एल्स में जो लिखा है एग्जीक्यूट कर देगा, इफ वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा.
सो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। प्रोग्राम करते हैं, कौन सा प्रोग्राम करेंगे? सेम वही प्रोग्राम जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि यूजर एज एंटर करेगा। अगर एज क्या है, एज 18 से अबव है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, यू आर। अगर एज 18 से अबव है, रुक जाओ एक मिनट, मुझे फाइल बना लेने दो। सो मैं इस फाइल का नाम दे देता हूं वोटिंग एज डॉट जावा। सो पहले तो वही लिखना होगा, हमें यूजर इनपुट लेना है, कल ही मैंने यूजर इनपुट बताया था। तो जब भी प्रोग्राम में इनपुट लेना होगा तो हम किसका क्या लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। देन उसके बाद क्लास, क्लास का नाम वही होगा जो फाइल का नाम है। सो वोटिंग इज, सर हाँ बोलो, सिंटैक्स फिर एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं है समझ में। सिंटैक्स बहुत सिंपल है कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया, ये जो इफ के अंदर कंडीशन लिखा है, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स, तो अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो कंप्यूटर इफ के अंदर आएगा, मतलब इस वाले ब्लॉक के अंदर, और जो भी इफ के अंदर लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा, रीड करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, और एल्स वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आया समझ में? इतना आया समझ में? Yes, sir. और अगर अगर कंडीशन फॉल्स हो गया, इफ का कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो कंप्यूटर फिर इफ में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, फिर एल्स में जाएगा, और जो एल्स के अंदर लिखा है एग्जीक्यूट कर देगा, इफ वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इफ के अंदर जाएगा ही नहीं। आया समझ में? Yes, sir. तो क्लास, क्लास के अंदर हम क्या बनाएंगे, पब्लिक एस्थेटिक void main, फिर main में string ar square bracket open close। अब इसके अंदर input लेना है तो scanner वाली line लिखेंगे, so scanner sc assign with new scanner, then in parenthesis system डॉट इन। अब एक वेरिएबल ले लेते हैं int age, जिसमें यूजर एज एंटर करेगा, तो एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर योर एज। अब यहां पे नीचे एज वेरिएबल में इनपुट ले लेते हैं, तो एज असाइन विथ एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। अब देखो क्या करना है, हमें क्या चेक करना है कि अगर एज 18 से ज्यादा है उसके बराबर है तो क्या प्रिंट कर देना है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो हम लिखेंगे इफ, इफ के बाद पैरेंथेसिस में कंडीशन, तो कंडीशन क्या होगा, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अब एक कंडीशन ट्रू कब होगा, एक कंडीशन ट्रू तभी होगा जब एज में ऐसा नंबर हो जो 18 से बड़ा हो या 18 के बराबर हो। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो कंप्यूटर इफ के अंदर आएगा, और इफ के अंदर हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अच्छा, अब अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो, और कंडीशन फॉल्स कब होगा, अगर यूजर ने ऐसा एज एंटर किया है एज वेरिएबल में जो 18 से कम हो तभी तो फॉल्स होगा ना। जैसे यूजर ने एज में 17 एंटर कर दिया, तो इफ में क्या है, एज, एज में 17 है तो 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि 17 18 से ना बड़ा है ना उसके बराबर है, तो कंप्यूटर एल्स में आएगा। एल्स में आया यानी एज जो है 18 से कम है, तो एल्स में क्या मैसेज प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहां पे यू आर नॉट
eligible for voting. समझ में आया सबको प्रोग्राम? Yes sir. Yes sir. प्रोग्राम को रन करते हैं हम. So terminal open करते हैं. So Java C प्रोग्राम का नाम क्या है? Voting is dot Java. Enter. एरर है कुछ? एरर क्या है? ओके यहाँ देखो सेमी कॉलन जो है मैं थोड़ा छोटा करता हूँ दिखेगा फिर. ओके सॉरी बड़ा ही हो गया. यहाँ पे देखो सेमी कॉलन हम पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लगा दिया. दूसरा एरर क्या है? ये गलती कहीं मैंने और भी किया है? नहीं ठीक है तो फिर से रन करते हैं. अब देखो इफ के बाद मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया है फिर से सेम रीजन क्योंकि इफ के नीचे क्या है इफ का ब्लॉक है. अब रन करते हैं तो रन कैसे करेंगे? जावा अगेन वोटिंग एज सो एंटर द एज मैं एंटर करता हूं 25. बताओ तुम अमित बताओ आउटपुट क्या आएगा? अमित आउटपुट क्या आएगा? So greater than 18 नंबर आएगा. आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट यानी कि वो अमित आउटपुट क्या आएगा? यू आर एलिजिबल टू एलिजिबल फॉर वोटिंग. हाँ इनपुट कौन लगा दे? एज असाइन विद एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी. लाइन अपना माइक बंद करो. तो नेक्स्ट आईएनटी इनपुट मांग रहा है ठीक है. तो हमने 25 एंटर किया. नेक्स्ट आईएनटी क्या करेगा? 25 को एज वेरिएबल में स्टोर कर देगा. फिर कंप्यूटर अब यहाँ पे चेक करेगा इफ में. तो एज में कितना हमने एंटर किया है? एज में हमने एंटर किया है 25. तो 25 ग्रेटर देन 18. हाँ 25 18 से बड़ा है तो कंडीशन इफ का ट्रू हो गया. तो कंप्यूटर इफ के अंदर आएगा और क्या प्रिंट कर देगा? यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग. देखो एंटर करता है. You are eligible for voting. Else में कंप्यूटर नहीं गया. फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूं मैं. इस बार मैं देता हूं 18. अमित तुम नहीं तुम बताओ. असद तुम बताओ क्या आएगा आउटपुट? You are eligible for voting. हाँ फिर सेम आएगा क्योंकि अब एज में 18 है तो 18 18 के बराबर तो है ना. यहाँ इक्वलिटी भी तो लिखा है ना तो वही आएगा. ओके फिर मैं रन करता हूं. इस बार मैं देता हूं 12 या मैं 16 दे देता हूं. तो अब एज में 16 आ गया तो 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 18. 18 से ना बड़ा है ना उसके बराबर है तो कंडीशन फॉल्स. कंप्यूटर एल्स में नहीं जाएगा सॉरी इफ में नहीं जाएगा. कहाँ चला जाएगा? एल्स में चला जाएगा और प्रिंट कर देगा ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी. ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा. और इस स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है? हमने प्रिंट किया है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. तो आउटपुट आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. सबको समझ में आ गया? यस सर.